अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, हज़रत यूशा बिन नून भी एक अजीम अल्लाह के नबी थे। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको नबूवत से नवाजा, और साथ ही साथ हज़रत मूसा और हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम का जो वाकया था उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो खादिम थे वो हज़रत यूशा बिन नून ही थे। हज़रात मोहतरम, आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत यूशा बिन नून के बारे में मुफस्सल तौर पर हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने आपके नाम की तसरीह नहीं फरमाई, हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम के किस्से में एक नौजवान के अल्फाज में आपका जिक्र फरमाया, जैसे कि पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाले जो सीरीज़ है उसमें हमने बयान किया है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वइज़ क़ाला मूसा लिफ़ताहु, और याद करो जब मूसा ने अपने खादिम से कहा फलम्मा जावज़ा क़ाला लिफ़ताह, फिर जब वहाँ से गुजर गए तो मूसा ने अपने खादिम से कहा। जैसे कि गुज़िश्ता सफहात में हज़रत उबई बिन काब की रिवायत जो मैंने बयान की है मूसा अलैहिस्सलाम वाले पूरी सीरीज़ में, उसमें मरफूअन एक हदीस साबित है कि वो जवान साथी से मुराद हज़रत यूशा बिन नून ही हैं। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर एक बात मैं और बता दूँ कि अहले किताब का आपकी नबूवत के बारे में, यानी यहूदी या ईसाई, वो सभी आपकी नबूवत के बारे में इत्तफाक रखते हैं। अगरचे सामरियों का एक गिरोह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद किसी की नबूवत के कायल नहीं है, लेकिन वो भी हज़रत यूशा बिन नून को अल्लाह का नबी तस्लीम करते हैं, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की नबूवत तौरेत से तसरीहन साबित है। हालांकि तौरेत के बाद कि कुतुब और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत हक है, और कुरान पहली तमाम किताबों की तस्दीक करता है, मगर ये बदबخت अल्लाह के नबियों का इनकार करते हैं। इन मुनकरों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क़यामत तक लानत हो। हज़रत मोहतरम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम फरमाते रहे, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आखिरी वक्त तक कलाम फरमाते रहे। अल्लाह ताला बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए उन्हें अवामिर व नवाही से आगाह करता रहा और तशरीह का सिलसिला जारी रहा। आप अलैहिस्सलाम अपनी वफ़ात के लम्हे तक बारगाह खुदावंदी में मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम और मुकर्रब बंदे बने रहें, जैसे कि फ़रिश्ते अजल की आग फोड़ने की हदीस से साबित है, जिसे हम इससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाली सीरीज़ में आपसे के सामने बयान कर चुके हैं। अल्लाह ताला ने तो आपको हर बाल के बदले एक साल उम्र देना चाहिए, लेकिन जब देखा कि इंसान हमेशा रहने के लिए नहीं आया तो मौत को गले लगा लिया और तमन्ना की कि बैतुल मुकद्दस के करीब दफन हूँ। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की इस तमन्ना को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और आपका मज़ार बैतुल मुकद्दस के बिल्कुल करीब है। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर यह किस्सा मोहम्मद बिन इसहाक अगर अहले किताब की कुतुब के हवाले से ज़िक्र करते हैं तो फिर तौरेत से ये भी साबित है कि आखिरी वक्त तक सिलसिला वही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर आता रहा, और आपको जब भी ज़रूरत महसूस हुई अल्लाह ताला ने वही फरमा दी, जैसा कि बहुत सारी किताबों से ये चीज़ें साबित हैं। हज़रात मोहतरम, अहले किताब यानी यहूदी और ईसाइयों ने तौरेत के हिस्से यानी सफ़रे सालिस में ज़िक्र किया कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को उनके कबीलों के मुताबिक शुमार करें और हर एक कबीले पर एक अमीर मुकर्रर फरमाएं। चूँकि बनी इसराइल के 12 कबीले थे, इसलिए 12 नकीब मुकर्रर हुए। इस गिनती के मकसद बनी इसराइल को जंग के लिए तैयार करना था, चूँकि बैतुल मुकद्दस पर अमालेकियों का कब्ज़ा था और मैदान तीह से निकलकर उनके साथ जंग ज़रूरी थी। तकरीबन 40 साल का अरसा गुजर चुका था जब ये लोग वीराने से निकलकर जंग आजमा हुए। हज़रात मोहतरम, बाज़ लोग कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते अजल की आग फोड़ी क्योंकि वो
उसे सूरत में पहचानते नहीं थे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप अलैहिस्सलाम को एक ऐसे काम के मुतालिक हुक्म दिया जिसको पूरा करने के उस दौर में उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन तकदीर में ये नहीं था कि उस दौर में पूरा हो, बल्कि तकदीर में ये था कि वो हज़रत यूशा बिन नून के दौर में सर अंजाम पाए। हज़रत मोहतरम, यानी वो काम शुरू तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया था, लेकिन चूँकि आपका इंतकाल हुआ और उस काम को हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया। जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूमी हुकूमत के ख़िलाफ़ शाम में लश्कर कशी का इरादा फरमाया। ये लश्कर तबूक पहुंचा, लेकिन उसी साल 9 हिजरी को वापस आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सन हिजरी को हज अदा फरमाया, फिर वापस आए और हज़रत उसामा को शाम पर लश्कर कशी का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूमियों के ख़िलाफ़ जंग का पुख्ता अज़्म रखते थे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म था जंग करो उन लोगों से जो नहीं ईमान लाते अल्लाह पर और न रोज़े क़यामत पर और नहीं हराम समझते जिसे हराम किया है अल्लाह ने उसके रसूल ने और ना कबूल करते हैं सच्चे दीन को उन लोगों में से जिन्हें किताब दी गई है, यहाँ तक कि वो दे जिजिया अपने हाथ से इस हाल में कि वो मगलूब हों। हज़रत मोहतरम, हज़रत उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु का लश्कर ये गया, लेकिन इस आयत के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसमें जो कत्ल करने का हुक्म दिया गया है कि उन्हें कत्ल करो जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, ये उन लोगों के लिए कहा गया था जो मुसलमानों और इस्लाम के दुश्मन थे, इस्लाम को ख़त्म करना चाहते थे, मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते थे और वो मुसलमानों के जान के दुश्मन बने हुए थे, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह हुक्म नाज़िल फरमाया। हज़रत मोहतरम, हज़रत उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु का लश्कर अभी तैयार हुआ ही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। हज़रत उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु का लश्कर जर्फ से वापस आ गया। कुछ दिनों बाद आपके यारे गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उस लश्कर को ख़ुद अपने हाथों से रवाना किया। फिर जब जज़ीरे अरब के हालात दुरुस्त हो गए, फितरे बैठ गए और हक पूरी तरह छा गया, तो दाएं बाएं के सारे लश्कर जो है वो इराक़ की सरहद पर शाह फारस और किसरा के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए भेज दिए, और कुछ मुजाहिदों ने कैसरे रोम के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए शाम पर जा दस्तक दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लश्करों को फतह व नुसरत से नवाजा, दुश्मन मगलूब हुए और मुसलमानों को उन इलाकों की हुकूमत मैसर आई। हज़रत मोहतरम, इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया कि बनी इसराइल को छोटे छोटे दस्तों में तकसीम करो और उन पर कायद मुकर्रर करो, जैसे कि कुरान मजीद में है, और यकीनन लिया था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पुख्ता वादा बनी इसराइल से, और हमने मुकर्रर किए उनमें से 12 सरदार, और फरमाया अल्लाह ताला ने कि मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम सही सही अदा करते रहे नमाज और देते रहे ज़कात और ईमान लाए मेरे रसूलों पर और मदद करते रहे उनकी और कर्ज़ देते रहे अल्लाह को कर्ज़े हसना, तो मैं ज़रूर दूर कर दूँगा तुमसे तुम्हारे गुनाह और दाखिल कर दूँगा तुम्हें बागात में, रवा हैं जिनके नीचे नहरें, तो जिसने कुफ्र किया उसके बाद तो मैं, यानी तुम में से जिसने भी ऐसा किया तो यकीनन वो भटक गया सीधे रास्ते से। हज़रत मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल से फरमा रहा यहाँ पर कि अगर तुमने अपने फ़राइज़ को पूरी तरह अदा किया और पहले की तरह जंग से पहलू तही ना की, तो उसके बदले में तुम्हारी तमाम गलतियों से दरगुजर मैं कर दूँगा और तुम पर पहले गुनाह की वजह से कोई सख्ती नहीं होगी, जैसा कि ग़ज़वे हुदैबिया में कुछ लोग शरीक के लश्कर ना हो सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि फरमा दीजिए उन पीछे छोड़े जाने वाले बद्दुओं अरबों को, क्या करीब तुम्हें दावत दी जाए एक ऐसी कौम से जिहाद की जो बड़ी सख्त जंग जो है, तुम उनसे लड़ाई करोगे या वो हथियार डाल दें, बस अगर तुमने उस वक्त इताअत की तो अल्लाह ताला तुम्हें बहुत अच्छा अजर देगा, और अगर तुमने उस वक्त भी मुंह मोड़ा जैसे कि तुमने पहले मुंह मोड़ा था तो तुम्हें अल्लाह ताला दर्दनाक अजाब देगा। हज़रत मोहतरम, इसी तरह अल्लाह ने बनी इसराइल से इरशाद फरमाया तो जिसने कुफ्र किया उसके बाद तुम में से तो यकीनन वो भटक गया सीधे रास्ते से। हज़रत मोहतरम,
फिर अल्लाह ने सियाह कारियों और नक्शे अहद पर उनकी मजम्मत फरमाई, जैसे कि उनके बाद नसारा के इस बात पर मजम्मत फरमाई कि उन्होंने अपने दीन में बाहम इख्तलाफ किया और दूसरे अदियान से भी अलग थलग एक बातिल अकीदा गढ़ लिया। इस बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली बात तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहतरम बैतुल मुक़द्दस को आखिर किसने फ़तह किया? बाज़ लोगों को यह ख़्याल है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़तह किया था और बाज़ लोगों को यह ख़्याल है कि हज़रत मूसा और हज़रत हारून पहले ही इंतकाल कर चुके थे और हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया। जैसे कि हज़रत इब्न अब्बास और दूसरे उलमाए सल्फ और खल्फ़ तो यहाँ तक फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम दोनों दुखूल बैतुल मुक़द्दस से पहले ही वीराने में वफात पा गए थे। इब्न इसहाक का गुमान है कि बैतुल मुक़द्दस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़तह किया और हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम जो आप ही के लश्कर के मुकदमे में थे। हज़रात मोहतरम, अब मैं आपके सामने एक ऐसा वाक़या पेश करूंगा जो बलाम बिन बाउरा का ये किस्सा है, बलाम बिन बाउरा का ये वाक़या है जो मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूशा बिन नून के दौर का ही ये वाक़या है। मोहम्मद इब्न इसहाक ने बलाम बिन बाउरा का किस्सा भी जिक्र किया जिसमें यह भी मज़कूर है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस जाते हुए उसके पास से गुज़रे। कुरान मजीद की इस आयत में बाज़ लोगों का ये भी ख्याल है कि कुरान मजीद की इस आयत में इसी बलाम बिन बाउरा का तस्किरा है जिसमें अल्लाह ने फरमाया वतलु अलैहिम नबा लजी आतैनाहु आयातिना इला आखिरी आया, ये सूरह आराफ की आयत है। और पढ़ सुनाइए उन्हें हाल उसका जिसे दिया हमने इल्म अपनी आयतों का, तो वो कतरा कर निकल गया उनसे तब पीछे लग गया उसके शैतान, तो वो हो गया गुमराहों में से। और अगर हम चाहते तो बुलंद कर देते उनका रुतबा उन आयतों के बाइस, लेकिन वो तो झुक गया बस्ती की तरफ और पैरवी करने लगा अपनी ख्वाहिश की, तो उसकी मिसाल कुत्ते जैसी है, अगर तू हमला करे उस पर तब भी हाँपे और अगर तू उसे छोड़ दे तब भी हाँपे। ये हाल है उन लोगों का जिन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को। आप सुनाइए उन्हें उनका किस्सा, शायद वो गौर करने लगे। बहुत बुरी कहावत है उस कौम की जिन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को और वो अपनी ही जानों पर जुल्म किया करते थे। हज़रात मोहतरम, हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो और अनुमा और दिगर मुफस्सरीन का बयान है कि बलाम बिन बाउरा इसमें आज़म जानता था। बलाम की कौम ने मुतालबा किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लिए बद्दुआ करे और वो उनके लिए बद्दुआ करने से रुक गया, लेकिन जब उन्होंने इसरार किया तो वो अपनी गद्दी पर सवार हुआ और अपने और बनी इसराइल के पड़ाव की तरफ चल पड़ा। जो ही लश्कर पर निगाह पड़ी तो वो गद्दी पर यानी गद्दी बैठ गई बलाम ने जो है वहाँ पर, लेकिन जब उन्होंने इसरार किया तो अपनी गधी पर सवार हुआ और अब बनी इसराइल के पड़ाव की तरफ चल पड़ा। जो ही लश्कर पर निगाह पड़ी तो गधी बैठ गई, बलाम ने गधी को मारा हत्ता कि वो खड़ी हो गई और कुछ ही दूर चली लेकिन फिर बैठ गई। बलाम ने फिर इस मर्तबा गधी को पहले से कहीं ज़्यादा मारा तब वो उठी लेकिन फिर बैठ गई। तीसरी मर्तबा उसने पुरजोर लगाया लेकिन गधी ना उठी और गोया हुई बलाम कहाँ जाना चाहता है, क्या तू देख नहीं रहा कि मेरे सामने फरिश्ते हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, क्या तू अल्लाह ताला के नबी और अहले ईमान के हक में बद्दुआ करना चाहता है। लेकिन उसके बावजूद भी बलाम गधी से ना उतरा और उसे बराबर मारता रहा। आखिर गधी उठ खड़ी हुई और उसे लेकर चल पड़ी। जब वो हिजबान पहाड़ पर चढ़ा और लश्कर मूसवी पर नज़र पड़ी तो बद्दुआ के लिए ज़बान खोली लेकिन ज़बान ने साथ न दिया, बजाय बद्दुआ के उसकी ज़बान से हज़रत मूसा और उनकी कौम के लिए दुआएं निकलने लगी और ख़ुद अपनी कौम के हक में ज़बान पर बद्दुआ के कलमात जारी हो गए। लोगों ने उसे मलामत किया, बलाम ने माजरत की और कहा क्या करूँ, कोशिश के बावजूद भी ज़बान पर कुदरत नहीं, ऐसे में उसकी ज़बान बाहर निकलकर सीने पर लटक गई, कहने लगा मैं दुनिया और आखिरत में नामुराद ठहरा, मेरे पास सिवाय मकरो फरेब के कुछ नहीं रहा। हज़रात मोहतरम,
ये हज़रत यूशा बिन नून के बारे में चंद बातें थी, फिर उसके बाद बलाम बिन बाउरा का आखिर क्या हुआ, क्या ये बचा या मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ने इसको भी हलाक कर दिया, ये तमाम की तमाम बातें इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितने भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों अहबाब रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि सवाबे जारिया की सूरत में कयामत तक आपको इसका सवाब मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।